हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोमेंस डे। दोस्तों आज हम लोग केन गोल्ड वाटर फिल्टर का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन वीडियो देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बॉक्स को काट लेते हैं। देखिए बॉक्स से आपका ये निकला, ये टोटल कंटेनर है और आपका भीतर ये स्टैंड है और कुछ नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। दोस्तों ये एकदम नीचे जो स्टैंड रहता है वो है, ये आपका टोटल फिल्टर है। फिल्टर का हर पार्ट्स यहाँ है, इसको हमको असेंबल करना पड़ेगा। ये एक बुकलेट है, यहाँ दोनों पार्ट एक के भीतर एक खुदाया हुआ है, इसको धीरे से निकाल लेना पड़ेगा। इसका जो पैकेट वगैरह है उसको पहले खोल लीजिए। ये टोटल कंटेनर पैकेट है जिसमें आपका टोटल किट दिया हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे। ये आपका मेन फिल्टर है, थोड़ा खुला हुआ है। और ये आपका मेम्ब्रेन है, तो क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ दो कैप लगा हुआ देखिएगा, तो कैप को खोल दीजिएगा। ब्लू वाला कैप को आप खींच के खोल दीजिए, ये और कोई काम में नहीं लगेगा। तो इसका एक पतला दिख है, एक इसका मोटा साइड है। तो जो पतला साइड है उसको आप, ये जो छोटा कंटेनर है इसके यहाँ जगह है, यहाँ प्रेस कर दीजिए तो ये लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो फिल्टर है इसमें आपका नीचे टैप को फिट करना पड़ेगा। तो टैप को हम कैसे फिट करेंगे, तो टैप दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले इसको खोल लीजिए। दोस्तों टैप के भीतर की तरफ एक वॉशर को आप रखिएगा, उसके बाद टैप को यहाँ लगाइए। और देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, दूसरा जो वॉशर है उसको आप भीतर की तरफ लगाइए। अगर टैप को आप ठीक से नहीं लगाइएगा तो पानी टपकने का डर रहता है। अब इस जो नट है, इसको नट बोल्ट सिस्टम है, इसको आप ये जो चौड़ा दिख है जहाँ आपका वॉशर टाइप का किया हुआ है उस दिख को भीतर दिख कर रख के लगा दीजिए। अब दोस्तों वाटर फिल्टर लगाने का एक तरकीब है, जब आप टैप लगाइएगा तो टैप को थोड़ा लेफ्ट साइड में टेढ़ा रखिए और उसके बाद उसको हाथ से टाइट कर दीजिए। जब पूरा टाइट हो जाएगा तब भीतर का जो बोल्ट है उसको पकड़ के इसको सीधा कर दीजिए, तो ये एकदम परफेक्ट टाइट हो जाता है। ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ये जो ऊपर वाला छोटा पार्ट है इसको हम ऊपर से लगा देंगे। इसमें आपका ऐसे काटा हुआ है, इसमें भी ये बैठने का जगह है, तो उसको वैसे ही हम इसके अंदर बैठाएंगे। अब इसको स्टैंड के ऊपर उठा देंगे। देखिए सामने स्टिकर लगा हुआ है, तो वो फ्रंट पार्ट है,
इसको ऐसे बैठाएंगे, उसके बाद हम ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको लेंगे, उसको ऊपर बैठा देंगे, और ये जो कार्बन फिल्टर है इसका स्टिकर उतार देंगे। स्टिकर उतारने के बाद इसको ढक्कन के ऊपर लगा देंगे और ये वाला कैप इसके ऊपर जाएगा। तो ये हमारा टोटल फिल्टर इंस्टॉलेशन हो गया। अब देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, इसके साथ मैनुअल बुक दिया हुआ है एक, तो इसके साथ आपका एक सीरीज दिया हुआ है, एक आपका रेंज दिया हुआ है, और एक और दो पीस का प्री फिल्टर दिया हुआ है। तो ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, जब इसको मेंटेनेंस का वीडियो हम दिखाएंगे तब आपको दिखाएंगे ये सब का क्या काम होता है। अभी आप इंस्टॉलेशन पार्ट में देख लीजिए। तो ये तो हो गया हम लोगों का इंस्टॉलेशन, अब इसके बाद इसको थोड़ा साफ करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, तो ढक्कन उतार लीजिए। ये जो फिल्टर है इसको पानी के टैप के नीचे रखिए और टैप से पानी बहुत जोर से छोड़ दीजिए। पानी यहाँ से गिरेगा और नीचे से निकल जाएगा, तो एक मिनट तक देखिएगा काला पानी निकल रहा है। थोड़ा इसमें डस्ट कार्बन रहता है, डस्ट कार्बन पार्टिकल्स निकल जाएगा। अगर आप इसको नहीं साफ कीजिएगा तो पहले ही आपका फिल्टर के नीचे वाला मेम्ब्रेन में पानी आके जम जाएगा। तो सेफ साइड यही है कि आप पहले इसको टैप के पानी से धो लें। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, टैप छोड़ दीजिए, टैप का पानी यहाँ से नीचे आएगा और ये साफ हो जाएगा। एक मिनट के बाद इसको आप यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप इस सिरिंज को लीजिए इस सिरिंज में आप साफ जगह से पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद ये जो फिल्टर का ऊपर वाला पोर्शन है इसमें आप पानी भरने के बाद यहां लगा के पानी को पुश कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसका भीतर जो हवा है वो निकल जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बहुत देर लगेगा आपका पानी नीचे उतरने में। तो ये होगा मेरा पूरा इंस्टॉलेशन। इसके बाद आप यहाँ से पानी डाल दीजिए इसके ऊपर से, पानी ये कंटेनर पूरा भर जाएगा। उसके बाद आप इसको नीचे उतरने का टाइम दीजिए। जब पानी नीचे उतर जाए तो कल को खोल के पूरा पानी फेंक दीजिए। दूसरे बार जो पानी आप डालिएगा इसमें उससे आप पीना शुरू कीजिए। पहले बार का जो पानी रहता है उसमें थोड़ा कार्बन का स्मेल आता है, इसलिए पहला बार का पानी मत पीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।